ज्वालामुखी उपमंडल का एकमात्र नागरिक अस्पताल जो कि यात्री सदन को तब्दील कर बनाया गया था, आजकल खुद ही बीमार पड़ा हुआ है, जबकि इसकी दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास किए हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच लापरवाही और गंदगी के माहौल में यहां इलाज करवाने सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन बीमार पहुंचते हैं, लेकिन यहां की हालत देखकर तीमारदार भी बीमार हो जाते हैं। नागरिक अस्पताल ज्वालामुखी में चार दीवारी नहीं की गई है। अस्पताल के कमरों की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, जिस वजह से मक्खी मच्छर अंदर पहुंचते हैं। अस्पताल में पीने के पानी का कोई उचित प्रावधान नहीं है। वाटर कूलर खराब पड़ा हुआ है। शौचालयों में पानी की टूटियां टूटी हुई हैं। अस्पताल में रखा जनरेटर काफी महीनों से खराब पड़ा है, उसकी भी आज तक सुध नहीं ली जा रही है। अस्पताल के बाहर दीवार न होने की वजह से आवारा पशु दिन रात बसेरा करते हैं। अस्पताल परिसर ग्राउंड पशुओं के गोबर से भरा रहता है, जिस कारण अस्पताल कम गौशाला ज्यादा नजर आता है। अस्पताल की दुर्दशा इतनी खराब है कि ये अस्पताल राजनीति की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस कार्यकाल में इसे बस स्टैंड से उठाकर यात्री सदन में खोला गया, लेकिन अब भाजपा सरकार में भी इस अस्पताल की अनदेखी की जा रही है। व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस अस्पताल में लगभग 40 पंचायतों के लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां समय पर अल्ट्रासाउंड भी कई बार नहीं होते। शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष रणजीत धीमान का कहना है कि कोरोना काल में भी इस अस्पताल की सरकार ने सुध तक नहीं ली। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, पर हकीकत में कुछ और ही नजर आता है। ये अस्पताल दिन प्रतिदिन राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर खुदाई हो रखी है, लेकिन मामला कोर्ट के अधीन लटका हुआ है। रणजीत धीमान ने मांग की है कि जल्द अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। आज हॉस्पिटल का दौरा किया है तो मुझे बहुत सारी कमियां इस हॉस्पिटल में नज़र आई हैं। सबसे बड़ी कमी तो इसमें ये आ रही है कि जो इसका मेन गेट है, वहां पर आज दिन तक गेट ही नहीं बना, जिससे लोगों को ये ही नहीं पता लगता है कि ये हॉस्पिटल है या गौशाला है। हॉस्पिटल ये कम नज़र आ रहा है, पर गौशाला ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसमें एक कमी ये भी है कि इसकी चार दीवारी अगर लगी होती तो पशुओं का आना जाना हॉस्पिटल के अंदर कम होता। और साथ में मैंने इसका ये देखा है कि इस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो किसी और पर्पज़ के लिए बनी हुई थी, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं थी। और इसका काम भी पिछली सरकार कांग्रेस के टाइम पे हॉस्पिटल का लगना था, लेकिन कारणवश सरकार चेंज हो गई, उसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। और अब बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार के टाइम पर भी इसका कोई काम नहीं हुआ। और इसकी जहाँ ये बनानी थी बिल्डिंग, वहाँ पर स्टे लगी हुई है। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि ये स्टे लगाने से क्या फ़ायदा है। इसको जैसे भी है हॉस्पिटल को बनाया जाए, और जितना भी इस हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया है तो इसमें मुझे ये ज़्यादातर लगा कि इसमें मरीज़ ठीक कम होंगे, बीमार ज़्यादा होंगे। ना तो इसके खिड़कियों के शीशे हैं, ना इसमें कोई ऐसी सुविधा है जिससे कि मरीज़ को थोड़ी अच्छी सुविधाएँ मिले। थोड़ा सा मैंने इसका कूड़े का भी देखा है, तो कूड़े का ऐसा है कि थोड़ा हॉस्पिटल के साथ कूड़ा जलाते हैं। तो इसका ये कि पहले ये म्यूनसिपालिटी में आता था हॉस्पिटल, अब ये द्रंग पंचायत में आ गया, जिसकी वजह से जो द्रंग पंचायत के जो सफाई के कर्मचारी हैं वो कूड़ा उठाने में आनाकानी कर रहे हैं। मैं सरकार के माध्यम से ये बार बार कहना चाहता हूँ, और अपने भी शिवसेना पंजाब हिमाचल की तरफ से, कि इस हॉस्पिटल की जितना जल्दी हो सके सुध ली जाए, और मरीजों को ध्यान में रख कर ये सारा कार्य जो भी है जितना जल्दी करवाया जाए। इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कम से कम 40 पंचायतों के लिए हॉस्पिटल है, तो कृपया मरीजों का ध्यान रखा जाए। स्थानीय पंचायतों के राहुल अनिल व मुकेश ने बताया कि पहले अस्पताल का कूड़ा नगर परिषद लेती थी, लेकिन अब द्रंग पंचायत के अधीन होने के कारण कूड़ा उठाने वाले भी आनाकानी करते हैं, जिस वजह से कूड़ा करकट अस्पताल के साथ ही बाहर जलाया जाता है और प्रदूषण फैलने का खतरा बना रहता है, जो कि मरीजों के लिए हानिकारक होता है। सभी ने सरकार, विधायक व प्रशासन से मांग की है कि जल्द इस अस्पताल की दशा में सुधार किया जाए। मैं राहुल विशिष्ट, जब मैं ज्वाला जी अस्पताल गया तो मतलब वहाँ पे अस्पताल की हालत कुछ ऐसी है कि मतलब देखा नहीं जा सकता। वहाँ पे चार दीवारी वगैरह कुछ नहीं है, पशुओं का जो है आन जान वहाँ लगा रहता है, पशु घूमते रहते हैं,
अस्पताल के बाहर पशु घूम रहे हैं और उनकी जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो भी सारे टूटे हुए हैं और दीवारों के आसपास गंदगी है, बल्कि वहाँ पे कूड़ा करकट जो है वही अस्पताल के साइड में जो है जलाया जाता है, वहीं से धुआं आ रहा है, कई बीमारियां पनप रही हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ ऐसी तीन चार ये चीज़ें हैं जो ठीक होनी चाहिए, और यही है मेरा सरकार से आग्रह कि वहाँ पे कम सफाई तो होनी ही चाहिए और चार दीवारी लगवाई जाए और उसे मतलब एक पूरा प्रॉपर अस्पताल बनाया जाए उसे, वो अभी पशुशाला जैसे लग रही है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं अनिल कुमार खोला खोला का निवासी हूँ जी। इस हॉस्पिटल को यहाँ आए हुए 7 साल हो गए हैं। पहले जो सरकार थी उसने इस हॉस्पिटल को नीचे बस स्टैंड से यहाँ शिफ्ट कर दिया है, और जो इस बार सरकार आई है उसने इस हॉस्पिटल में कोई भी ग्रोथ नहीं की है। जैसे कि इस हॉस्पिटल की जो मेडिसिन वगैरह या कोई भी ग्लव्स वगैरह या कोई भी गंदा कपड़ा या कोई भी कॉटन वगैरह होती है उसको हॉस्पिटल के साथ में फेंका जाता है, उसको वहीं जलाया जाता है। उसके साथ मक्खियां मच्छर जो भी है अंदर अंदर जाते हैं, शीशे टूटे हुए हैं इसके तो उससे अंदर जाते हैं, तो उससे पेशेंट जो परेशान होता है। और पेशेंट ठीक क्या हुआ यहाँ पे और ज्यादा बीमार हो रहे हैं, और इसके जो लैट्रिन वॉशरूम है उसमें कोई सफाई नहीं है, सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है यहाँ हॉस्पिटल में। और इसमें जो है जनरेटर जो है लाइट जो है लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, कि जो जैसे जैसे गवर्नमेंट जनरेटर है जनरेटर यहाँ पे खराब पड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह कि इस हॉस्पिटल में कोई चार दीवारी नहीं है, जैसे कि आवारा पशु जो है इसमें अंदर बैठे रहते हैं, या आवाज जो भी टैक्सी वाहन या एज ए कोई भी गाड़ी है वो अपनी मर्जी से चालक अपने गाड़ियां अंदर लगा के चले जाते हैं। आवारा पशुओं का गोबर भी वैसे ही होता है, इसमें कोई साफ सफाई नहीं है। और साथ में ही इसकी कैंटीन का जो है इसकी कैंटीन भी कैंटीन का भी कोई राशन जो है वो मरीजों के लिए नहीं पहुंचता है, उसमें जो खाने की दिक्कत है ज्यादा ज्यादा परेशानी है। कैंटीन भी साफ सुथरी नहीं है, कैंटीन में भी गंद पड़ा हुआ है अंदर। और पानी 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 भी यहाँ साफ नहीं है, पानी भी गंदा पानी है।